ये मेरा आज एक एचपी का लैपटॉप आया हुआ है। इसमें पार्टी का कहना है कि मेरा कभी ऑन होता है सर, कभी ऑन नहीं होता है। तो मैंने पार्टिकुलर इसमें सारा कुछ एक एक करके फाइनली एक एक करके चेक करूंगा और देखूंगा कि किसका सप्लाई क्या मिसिंग है, क्या नई सप्लाई मिसिंग है, वो भी एक एक करके देखूंगा मैं। तो चलिए चलते हैं। ऑलरेडी ये तो मुझे कहीं पे मॉइस्चर वगैरह फील तो ऐसा फील नहीं हो रहा है। थोड़ा सा मुझे इस जगह पे थोड़ा दिखाई पड़ रहा है, एक रेजिस्टेंस में, बाकी और कहीं तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अभी एक बार इसका जेक वगैरह लगा के सप्लाई पहले चेक कर लेते हैं। ऑलरेडी ग्लो कर चुका है, ठीक है। मेरा क्या सप्लाई बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। पार्टी का कहना है कि मेरा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है। तो भाई ऑन क्यों नहीं हो रहा है, किसकी वजह से? इधर तो मेरा कोई कॉइल नहीं है ये साइड में, लेकिन फिर भी 19 वोल्ट यहाँ पे चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही सप्लाई है ये। अब इसका ये तो आ गया बिल्कुल सही है। इसके सीएलआर में एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब इसका 3.5 वोल्ट एक बार चेक कर लेते हैं, सब 3.5 का। इसका मुझे कोई सप्लाई नहीं, 3.5 वोल्ट में कोई सप्लाई नहीं मुझे मिला, ये भी मुझे नहीं मिला। यहाँ तो 20 वोल्ट बिल्कुल, आयो का रिक्वायरमेंट तो बाद में देख लेते हैं। ये मुझे 3.5 वोल्ट क्यों नहीं पहुंचा भाई, थोड़ा आईसी कौन सा लगा हुआ है वो भी देख लेते हैं। 5x बराबर 4h, ये मेरा 3.5 वोल्ट का स्टेप डाउन का आईसी है मेरा फाइनली ये। तो यहाँ पे एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं, मेरा 20 वोल्ट तो बिल्कुल आईसी में इन हो रहा है। अच्छा ये बिल्कुल सही सप्लाई है, अब नहीं बन रहा है। मेरा प्रॉपरली इससे ये पता चल गया कि मेरा फायर इसमें 3.5 वोल्ट का सप्लाई मिसिंग है। तो एक बार फाइनली उसे एक बार इसका रिक्वायरमेंट पहले देख लेते हैं, किस किस पिन पे क्या क्या सप्लाई है। पहले ये जो मेरा स्टेप डाउन का आईसी का है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दूं आपको, मेरा जो प्रॉब्लम क्या क्या मिला इस पे, तब जाके मैंने फाइनली इस आईसी को मैंने रिप्लेसमेंट किया हूँ। तो ऑलरेडी मैं सोचा क्यों नहीं जानकारी थोड़ा सा बता दूँ आप लोगों को। किधर गया, यस, ये जो मेरा पिन नंबर 11 है, इसमें ऑलरेडी मेरा 19 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट बना रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और ये एनेबल भी बिल्कुल मतलब बन रही नहीं रहा था। एलडीओ ये मेरा फाइनली नहीं बन रहा था, ये एलडीओ बिल्कुल ही नहीं बन रहा था, 3.3 वोल्ट का एलडीओ। उसके बाद और एक एनेबल का सिग्नल था, वो भी मेरा फाइनली सप्लाई ये, इसमें भी मेरा कोई सप्लाई फाइनली इसमें मेरा नहीं बन रहा था। तो ये दोनों एनेबल का एलडीओ का सप्लाई जब आयो को नहीं मिलेगा, तो तब तक से आपका ये एनेबल का सिग्नल तो मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले ही मेरा पहला प्रॉब्लम ये, ऑलरेडी माउसपेड भी मैंने चेक कर लिया था, बिल्कुल मेरा माउस। अब आईसी को रिप्लेसमेंट करके ही मुझे फाइनली देखना पड़ेगा। अब
मैं आईसी ऑलरेडी लगा चुका हूं और ये बगल में मेरा जो चेंज किए वो आईसी मेरा ऑलरेडी है। अब इसे फाइनली ऑन करके देखते हैं। यस, ये मेरा ऑन क्यों नहीं हुआ। यस, अब इसे फाइनली आप एक एक करके वोल्टेज भी सप्लाई थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि मेरा किस में क्या सप्लाई बन रहा है। ये मेरा 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही बन रहा है मेरा। अब इसे 5 वोल्ट थोड़ा चेक कर लेते हैं। यस, ये मेरा 5 वोल्ट भी ओके। ये मेरा, यस, ये भी मेरा ऑलरेडी सप्लाई भी प्रोसेसर के लिए सप्लाई जो दे रहा बिल्कुल सही है। अब ये रैम का सप्लाई थोड़ा चेक देख लेते हैं। यस, रैम का भी सप्लाई मेरा ऑलरेडी 1.4 वोल्ट बिल्कुल सही बन रहा है। और ये कोर सेक्शन में थोड़ा सा देख लेते हैं। यस, ये भी मेरा कोर का भी 0.745.4 के सप्लाई बिल्कुल सही मिल रहा है मेरा। अब लास्ट में पर्टिकुलर एक सप्लाई इस लास्ट वाली इस कॉइल में 3.3 वोल्ट का सप्लाई होना चाहिए था। अच्छा, 3.0 का सप्लाई बिल्कुल मेरा परफेक्ट बन रहा है। इसमें ऑलरेडी मेरा 3.0 वोल्ट का बिल्कुल सही सप्लाई मेरा परफेक्ट बन रहा है। सारा सप्लाई मेरा बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से बन रहा है। अब इसे फाइनली अब स्क्रीन लगा के फाइनली अब इसमें बार चेक करके देखते हैं कि मेरा ये सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं सारा कुछ सेट कर लिया हूँ। अब इसे फाइनली एक बार ऑन करके देखते हैं। अब बटन प्रेस कर लेते हैं एक बार। यस, अब इसे देखते हैं डिस्प्ले मेरा आया कि नहीं। यस, ये मेरा फाइनली डिस्प्ले आ चुका है। ये यस, ये मेरा विंडो भी ओपन है। थैंक यू दोस्तों।